नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्सकाई में आपका स्वागत है। धनिया पंजीरी जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मीठे प्रसाद के रूप में तैयार किए जाने वाला सबसे लोकप्रिय व्यंजनों में से एक है। यह लोकप्रिय उत्तर भारतीय सूखी मीठी रेसिपी सूखे मिश्रण की तरह दिखती है और इसे धनिया पाउडर से मिलाकर तैयार किया जाता है। साथ ही जन्माष्टमी पर धनिया पंजीरी के बिना उनके भोग को अधूरा माना जाता है और प्रसाद के रूप में धनिया पंजीरी चढ़ाई जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं धनिया पंजीरी की रेसिपी। धनिया पंजीरी बनाने के लिए आधा कप पिसा हुआ धनिया, एक कप सूखा नारियल, किशमिश, देसी घी, पिसी चीनी, हरी इलायची पाउडर, बादाम, ये सभी सामग्री लें। सबसे पहले एक पैन लें और उसमें मखाना भून लें। मखाना भूनने के बाद उसको बाहर निकाल दें। इसके बाद उसी पैन में थोड़ा सा घी डालकर धनिया को अच्छी तरह से 10 से 12 मिनट तक पकाएं। धनिया पाउडर ब्राउन और खुशबूदार होने तक चलाते रहें। जब उससे भीनी खुशबू आने लगे और धनिया पूरी तरह से भुनी हुई लगे तो उसमें इलायची पाउडर, कटे हुए बादाम डालकर अच्छी तरह से मिलाते हुए 1 से 2 मिनट तक भून लें। उसके बाद गैस की आंच को बंद कर दें। इसके बाद बंद आंच पर इसमें घिसा हुआ नारियल मिलाएं। नारियल मिलाकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसे एक कटोरी में पलट दें। कटोरी में ये मिश्रण निकालने के बाद इसमें पिसी हुई शक्कर स्वाद अनुसार मिलाएं। इसमें आप कटे हुए मखाने मिलाएं, अपनी पसंद अनुसार मेवे मिलाकर इसे अच्छी तरह से मिला लें और आपकी धनिया पंजीरी बनकर तैयार है। श्री कृष्ण के जन्म में भोग के समय धनिया पंजीरी से भोग लगाना जरूरी होता है।